नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैपिंग थेरेपी। टैपिंग थेरेपी एक तरह की इमोशंस फ्रीडम टेक्निक है। टैपिंग हमारे शरीर के तीन लेयर पे काम करती है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और इमोशनल यानी भावनात्मक तौर पे। क्योंकि भावनात्मक कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशंस, थॉट, कुछ मेमोरीज होती है, यादें होती है, जो कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, जकड़वी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ब्लॉक होती है, हमारे चेस्ट में ब्लॉक होती है, तो उससे काफ़ी ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज बनते हैं, स्पेशली हमारे माइंड से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जनरेट होते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, रिलीफ करने के लिए आपको टैपिंग थेरेपी हेल्प करती है। क्योंकि टैपिंग का काम ही होता है इमोशंस को फ्री करना। चेस्ट में किसी भी तरह के ब्लॉक है तो वो चेस्ट आपको पूरी तरह से रिलीज लगेगा, रिलीफ लगेगा, फ्रीनेस अंदर से फील होगा। माइंड में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है तो हमेशा कहीं ना कहीं सर दर्द, हेडेक की प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, इस तरह के से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी टैपिंग थेरेपी हमें हेल्प करती है पूरी तरह से। जैसे योग कहता है, योग में 7 चक्रास पे काम किया जाता है, तो टैपिंग थेरेपी पे हम लोग टैपिंग थेरेपी का हम अपने 7 चक्रास पे काम करवाएंगे। जैसे सहस्रार चक्रा से लेके मूलाधार चक्रा तक। सहस्रार यानी हमारे हेड के ऊपर, यहाँ पे सेंटर ऑफ द हेड, यहाँ पे फिर देन आज्ञा चक्र पे, देन विशुद्ध चक्र पे टैपिंग होगा, जो आपके चेस्ट पे टैपिंग यानी अनाहत चक्रास पे टैपिंग होगा, आपके नेवल पे यानी मणिपुर चक्रास पे टैपिंग होगा, एब्डोमल टैपिंग एंड मूलाधार टैपिंग। मूलाधार में हम लोग हील टैपिंग के थ्रू मूलाधार को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हील टैपिंग होता है, हील टैपिंग एक बेस्ट टैपिंग थेरेपी है। क्योंकि हील टैपिंग आपके शरीर के सारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कनेक्ट होता है वो टैपिंग थेरेपी का बेनिफिट। क्योंकि जब आप टैप करते हो तो शरीर में ऐसा एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जो आपको पूरे शरीर को एक्टिव कर देता है, नीचे से मूल यानी रूट से लेके आप तक, हेड तक आपको कनेक्ट उसका एहसास महसूस होता है। बैक टैपिंग आपके स्पाइन को हील करता है। स्पाइन यानी योग में हम लोग जैसे सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे स्पाइन से कनेक्ट होती है, वो स्पाइन को आपको हील करता है टैपिंग थेरेपी। आपके शोल्डर टैपिंग, शोल्डर को रिलीज करने के लिए, शोल्डर के अंदर का स्टिफनेस कम करने के लिए, हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे शोल्डर में भी स्टिफ होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, अगर उनको भी रिलीज करना है तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर रिलीज हो जाएंगे जब आप शोल्डर टैपिंग करेंगे। आर्मपिट टैपिंग एक बेस्ट थेरेपी मानी जाती है प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो तब वहाँ के सारे मसल्स, नर्वस को आप फ्री करते हो, इमोशंस को, वहाँ के इमोशंस को आप रिलीज करते हो। कहीं ना ये सारे एनर्जी, इमोशंस एनर्जी में जहाँ पे भी आपके इमोशन थॉट जकड़े हुए, वो सारे आपके वो एनर्जी पॉइंट्स खुल जाएंगे, शरीर फ्री लगेगा, स्वस्थ लगने लगेगा जब आप टैपिंग थेरेपी करते हो। तो इन सारे टैपिंग थेरेपी को अगर आप भ्रामरी प्राणायाम के साथ करते हो तो एक बहुत ही अच्छी थेरेपी मानी जाती है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जैसे सांस लेना और छोटे समय म का उच्चारण, म की मात्रा लगाते हुए हम करते हुए आपको करना है, और वो टाइम में आप उस सारे ऑर्गन्स को, सारे पार्ट को हील करते हो। और ये तब होगा जब आप इसको करोगे, और ये सारी प्रैक्टिस आपको ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करनी है कि कब आपको सांस लेनी है और छोड़नी। टैपिंग आपको हमेशा सांस छोड़ते हुए ही करनी है। और इन सारे टैपिंग थेरेपी को आपको कम से कम डेली बेस पे 5 मिनट्स करना है, 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए करते हैं टैपिंग थेरेपी विथ माई मुक्ता योगा ग्रुप।
अम्म